आज का दिन कई मायनों में बहुत अहम है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में हलचल तेज है, अयोध्या से भी आज बड़ी खबर मिल रही है, साथ ही टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए आज बड़ा दिन है। अगर मुकाबले की बात की जाए तो इस वक्त मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। भारतीय हॉकी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है और 5-3 की बढ़त बनाए हुए हैं। भारत की जर्मनी पर 5-3 की बढ़त बनी हुई है और आज पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि ये मुकाबला भारत की जो टीम है वो जीते और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करे। आज देश को मेडल चाहिए और आज का दिन बहुत अहम है। अभी का ताज़ा अपडेट मलिका मिल रहा है कि 5-4 हो गया, यानी जर्मनी ने चौथा गोल कर दिया है। ऐसे में मुकाबला बेहद कड़ा होता हुआ, दिलचस्प होता हुआ, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि भारत बढ़त बनाए रखे। अभी भी अगर हम बात करें तो बढ़त भारत की ही है क्योंकि 5 गोल भारत ने दागे हैं, तो चौथा गोल अभी अभी जर्मनी ने दाग दिया है। तो उम्मीद हमारी यही है कि ब्रॉन्ज के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो ब्रॉन्ज भारतीय टीम जीते और हॉकी टीम लगातार कड़ी मेहनत करते हुए इस मुकाबले में डटी हुई है। जर्मनी के खिलाफ ये जोरदार मुकाबला, पिछले दोनों ही मैच इन दोनों ही टीम के लिए बड़े जबरदस्त रहे। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया से हारी तो भारत बेल्जियम से हारा, इसीलिए दोनों ही टीम एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे और उम्मीद तो हम सब यही कर रहे हैं कि भारत की जीत हो। बिल्कुल, और जो 3 आज बड़े मुकाबले हैं वो आपको बता दें, अपडेट दे दें उससे जुड़ा हुआ। हॉकी में भारत और जर्मनी के बीच भिड़ंत चल रही है, 5-4 से भारत ने बढ़त बनाई हुई है। शाम 4:20 पर कुश्ती फाइनल में रवि दहिया का कड़ा मुकाबला आज देखने को मिलेगा और शाम 4:40 पर आज एक और मुकाबला होने वाला है जिस पर हमारी नजर बनी हुई। बिल्कुल, ये तमाम अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बात महिला हॉकी टीम की कर लेते हैं। बेटियों ने न सिर्फ इतिहास बनाया है बल्कि बदल भी दिया है और इसके पीछे है उनकी सालों से की गई अथक मेहनत। कहते हैं मेहनत रंग जरूर लाती है और महिला हॉकी टीम को देखकर इस बात पर और यकीन बढ़ जाता है। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, देश की बेटियों के आयताकार मैदान पर बहाए पसीने का नतीजा है कि आज महिला हॉकी बुलंदियों पर है। अपनी जी तोड़ मेहनत से बेटियों ने आसमान पर कामयाबी की कहानी लिखी है। कहते हैं मेहनत का सिला जरूर मिलता है और महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन से इस बात पर मुहर भी लग गई। हर बाधा को पार कर टोक्यो पहुंची महिला हॉकी टीम हर कदम पर ऐसी ऐतिहासिक कहानी लिख रही है जो आने वाली पीढ़ी को सालों तक प्रेरणा देती रहेंगी। शुरुआत के 3 मैच हारने के बाद ये टीम का आत्मविश्वास ही था जिसने रानी रामपाल की अगुवाई में बेटियों ने वो कर दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। महिला हॉकी टीम को नीदरलैंड्स के हाथों 5-1, जर्मनी से 2-1 और ग्रेट ब्रिटेन के हाथों 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद टीम ने जोरदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 4-3, आयरलैंड को 2-0 और ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दी। पहली बार सेमीफाइनल तक का सफर करके टीम ने दिखा दिया कि देश की बेटियों में कितना दमखम है। देश के इरादे बुलंद हैं कि किसी भी बड़ी टीम से मुकाबले के लिए तैयार है और इस भरोसे के पीछे एक दिन नहीं बल्कि कई सालों की मेहनत है। अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और लास्ट काफी 2-3 ईयर से हमारी टीम काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है पहले से, एंड अभी हम किसी भी टॉप टीम के साथ अच्छे से कम्पीट कर सकते हैं। एंड किसी भी टीम का या एक प्लेयर का एक ड्रीम होता है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे ओलंपिक्स में एंड मेडल जीते। सो हमारी टीम का भी वही एक मिशन है कि हम पोडियम फिनिश करें ओलंपिक्स में, एंड हमारे सारे प्लेयर्स एंड कोचिंग स्टाफ काफी एक ही मिशन के लिए सब लगे हुए हैं एंड आई बिलीव इन माई टीम कि हम लोग अच्छा करेंगे। टीम की फॉरवर्ड वंदना कटारिया हो या डिफेंडर दीप ग्रेस एक्का, सबकी निगाहें अगले मैच पर लगी हैं। चुनौतियों के चट्टान को पार कर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पहुंची टीम को भरोसा है कि अपनी फॉर्म बरकरार रखकर वो सफलता की एक नई गाथा गढ़ सकती है। यस, फुल कॉन्फिडेंस है और जो अभी हम लोग मैच खेल के आए मैच बाय मैच और भी हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है और अच्छी सभी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है हमारी। मैं यही बोलना चाहती हूँ, जैसे आप लोग कंटिन्यू हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही करते रहिए और हम अच्छा खेलेंगे वहाँ पे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। थैंक यू। ब्रिटेन से होने वाले मुकाबले से पहले पीएम मोदी ने भी कप्तान रानी रामपाल और कोच से बात करके उनका हौसला बढ़ाया है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक चीज जिसे हम टोक्यो ओलंपिक में याद रखेंगे वो है हमारी हॉकी टीमों का शानदार प्रदर्शन। हमें टीम पर गर्व है, आगे के खेल और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। ग्रेट ब्रिटेन के साथ ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबले से पहले यकीनन टीम का मनोबल ऊंचा हुआ है क्योंकि मन में तिरंगे को और ऊंचा करने का जज्बा जो है
देश का मान बढ़ाने वाली बेटियां देश से बस आशीर्वाद और दुआ चाहती हैं। तो आज बड़ा दिन है, अहम मुकाबले हैं और इसी पर आइए चर्चा करते हैं। वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार जयदीप बासु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह के घर जालंधर से लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता हरपिंदर सिंह और साथ ही अमृतसर में फॉरवर्ड खिलाड़ी गुरजंत सिंह के घर से संवाददाता गगनदीप शर्मा जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। एक बार हम अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं, गुरजंत सिंह के घर चलते हैं, गगनदीप शर्मा वहां से जुड़े हुए हैं। गगनदीप, इस वक्त परिवार किस स्थिति में है, क्या कुछ चल रहा है दिमाग में, क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा इस वक्त चल रहा है। जी, इस वक्त गुरजंट के घर में आप देख सकते हैं सारा परिवार एक साथ भारतीय टीम की जो परफॉर्मेंस है वो देख रहा है, मैच देख रहा है। गुरजंट के पिताजी, माताजी, दादाजी, सभी परिवार वाले भारतीय तिरंगे झंडे उनके हाथों में है और मैच जो है भारत चार के मुकाबले 5 गोलों से जो आगे है, तो लगातार उम्मीद है इनके सभी को। गुरजंट के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या बलदेव जी क्या कहना चाहते हैं 5 गोलों से। हमको बहुत खुशी है, हमारी टीम जीत रही है, बस 5 मिनट का टाइम रह गया है, गोल्ड मेडल हमारे हाथ में है, पक्का जीतेंगे। ये गोल्ड मेडल ही है आपके लिए? हाँ, गोल्ड मेडल ही है, ये गोल्ड मेडल ही, हम इसको गोल्ड मेडल ही समझेंगे कि इतने समय के बाद ये टीम हमारे जहाँ तक पहुँची है, ये भावे ब्रॉन्ज मेडल ही मिलता है तो हम इसको गोल्ड मेडल समझ के रखेंगे, उसका परमात्मा का धन्यवाद करेंगे भी, हमको बहुत हमारे ऊपर। तो गुरजंट के पिताजी का कहना है हमारे लिए ये गोल्ड मेडल है, गुरजंट के माता जी भी यहाँ पे हैं तिरंगा झंडा आप लेके, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग बहुत खुशी है कि साड़ी टीम जीत रही है। तो गुरजंट की बहन, अच्छा चल रहा है मैच, एक गोल। तो परिवार जो है वो पूरा सांसे थामे इस वक्त मुकाबले पर नजर बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि लगातार जर्मनी भी पूरी मेहनत कर रही है कि किसी तरीके से शिकस्त दे दे, लेकिन भारत के हौसले बुलंद हैं। उम्मीद नहीं छोड़ी है हमने कि कांस्य पदक हमारे पास आएगा ही आएगा। आपको बता दें कि बलजीत सिंह सैनी जी जो कि पूर्व ओलंपियन है, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले हरपिंदर, इस वक्त क्या स्थिति चल रही है, परिवार के मन में क्या चल रहा है, पिछली बार की तरह ही आखिरी मोड़ तक आते आते मैच बड़ा दिलचस्प हो गया? जी बिल्कुल, मैच बहुत दिलचस्प मोड़ पे है, बिल्कुल 5 मिनट बाकी बचे हैं और अभी तक भारत की जो टीम है एक गोल से आगे चल रही है। हम दिखाएंगे, मनप्रीत की जो मदर है वो आप देख सकते हैं किस तरह के साथ मैच देख रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट है इनको भी, बहुत उत्सुकता है कि भारतीय टीम आज, अरदास लगातार इनकी तरफ से की जा रही है कि भारतीय टीम जीते और जो 1980 में आखिरी बार मेडल भारतीय टीम ने जीता था, तो 41 साल का जो सोका है वो ख़त्म हो आज, इसी के लिए ये मैच देख रही हैं। लगातार एक्साइटमेंट है, लगातार अरदास की जा रही है, पूरे देश में अरदास हो रही है कि भारतीय टीम अगर गोल्ड और सिल्वर नहीं जीत सकी तो आज ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीते। बिल्कुल, हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि ब्रॉन्ज मेडल हम जरूर जीते। हमारे साथ पूर्व ओलंपियन बलजीत सिंह सैनी जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बलजीत जी, मैच तो आप जरूर देख रहे होंगे, क्या लग रहा है, ब्रॉन्ज हमारे झोली में आएगा या नहीं? जी, अगर हॉकी जिस रफ्तार से आजकल चलती है तो जब तक फाइनल विसल नहीं बजती तब तक आप ये नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद बरकरार है और जिस तरह से इंडियन हॉकी टीम ने कमबैक की है अभी तक, तो उम्मीद यही है कि ये जो आखिरी के थोड़े से चंद मिनट बचे हैं तो हम सरवाइव करेंगे और हमारी फाइट जारी रहेगी इन पिछले कुछ 4-5 जो मिनट बाकी हैं और हम जरूर इस बार मेडल पोडियम पे फिनिश करेंगे। जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय सर, उम्मीद हर टीम की, हर एक स्पोर्ट्समैन की यही होती है कि जब आप ओलंपिक्स में जा रहे हैं तो गोल्ड लेकर आए, गोल्ड नहीं तो सिल्वर लेकर आए, और अब तो हमारे पास ब्रॉन्ज जीतने का मौका है, वो भी 41 साल बाद। तो प्रेशर में टीम खेल रही है आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि इस वक्त प्रेशर सब भुलाकर टीम का सिर्फ एक ही फोकस है कि ब्रॉन्ज जीतना ही जीतना है? प्रेशर थोड़ी देर के लिए होता है जब खेल शुरू होने से पहले तक, लेकिन बलजीत ने बहुत बड़े बड़े मैचेस खेले हैं और उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि जर्मनी आखिरी मिनट तक मैच छोड़ता नहीं है, और जर्मनी के साथ जब भी आप मैच खेलेंगे आपको एक चीज़ ध्यान आपको नज़र आएगा, या तो वो बहुत गोल करते हैं या बहुत गोल खाते हैं, क्योंकि अटैकिंग खेलते हैं, डिफेंसिव खेलना उनको आता नहीं है, और आज भी हमने देख लिया कैसे उन्होंने जो है लीड लेने के बाद 3-1 के बाद 3-3 हुआ और भारत को मौका दे दिया है, और इतना एक्साइटिंग मैच। मुझे लगता है बलजीत, आपको याद होगा एक बार बहुत साल पहले 85 में
एक पांच से नीचे ट्रेल कर रही थी भारत, और वहां से हमने पांच पांच मैच ऐसा टूर्नामेंट हुआ था जहां पे परगट ने आखिरी मिनट में अपने हाथ से बॉल लेके जाके गोल मारा था। हाँ तो वो मुझे याद, वो मैच मुझे याद आता है। हाँ जी, दो गोल और बिल्कुल आखिरी मैच, आखिरी गोल जो था पेनल्टी स्ट्रोक पे करवालो ने, गोल हुआ और मैच खत्म हुआ। बहुत जबरदस्त मैच था वो। सिर्फ मैं भी आज उसी मैच को याद कर रहा था क्योंकि नॉर्मली जर्मनी के साथ इतना हाई स्कोरिंग मैच भारत के ज्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन आज मुझे फिर उसी मैच की याद आई थी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। वरिष्ठ खेल पत्रकार जयदीप बसु भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। सर, जैसा कि विजय सर कह रहे हैं और बलजीत जी भी कह रहे हैं कि जर्मनी की ऐसी टीम है जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते, तो ऐसे में मैच किस बोर्ड पर जाता हुआ दिखाई दे रहा आपको? हाँ वो तो है, क्योंकि हॉकी आजकल ऐसे हो गया है कि लास्ट दो मिनट में दो गोल तीन गोल हो सकता है। ये हमने कई मैच में देखा है, इस ओलंपिक्स में भी देखा है। और ये थर्ड प्लेस मैच चल रहा है, जर्मनी तो एक टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन हो चुके हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, ओलंपिक गोल्ड जीत चुके हैं, तो वो लास्ट तीन चार मिनट में तो पूरा कोशिश करेगा गोल करने की। और हॉकी इतना स्मूथ गेम हो चुका है आजकल बिकॉज ऑफ द टर्फ और व्हाट एवर द रीजंस भी, कि आप आखिरी मोमेंट तक आप छोड़ नहीं सकते मैच को। एक बार फिर से बलजीत सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि अब चंद मिनटों का वक्त बचा है। ये जो आखिरी कुछ मिनट होते हैं मैच खत्म होने से पहले, ये बहुत ज्यादा नर्वस कर देते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो ये वक्त है इसमें जो हमारा स्कोर अभी बना हुआ है, बढ़त हमने हासिल की हुई है, तो क्या हम इस बढ़त के साथ अब जीत के करीब पहुंचते आपको नजर आ रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज खिलाड़ियों की आपको क्या कहती है? जो फर्क मैं देख रहा हूँ इस भारतीय टीम में और जो पुरानी टीमों में, तो अभी अभी एक 16 यार्ड की जर्मनी टीम ने स्टार्ट किया था, तो अभी भी इंडिया फुल प्रेस कर रही है, इंडिया अटैक कर रही है, इंडिया एक गोल को डिफेंड करने की नहीं सोच रही, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि हम डिफेंस नहीं करते हैं। गोल्स टीम्स गोल्स कंसीड करती हैं, गोल खाती हैं जब वो ज्यादा डिफेंसिव हो जाती हैं इन मोमेंट्स पे। हाँ, लास्ट एक डेढ़ मिनट जब रहेगा तो कोच जरूर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप बॉल को कॉर्नर पे ले जाइए, गोल करने की कोशिश मत करिए, लेकिन अभी चार मिनट और कुछ सेकंड्स बाकी हैं, तो अभी इंडियन टीम अटैक करिए। ये देख के लग रहा है कि आज हम हाई नोट पे फिनिश करेंगे और मेडल आएगा भारत की झोली में। बिल्कुल बलजीत जी, कोशिश मुझे लगता है टीम यही कर रही होगी, या तो गोल कर लें या फिर गोल होने से बचा लें, क्योंकि मुकाबला बड़ा कड़ा उस वक्त हो रखा है। अमृतसर में फॉरवर्ड खिलाड़ी गुरजन सिंह के घर से संवाददाता गगनदीप लगातार बने हुए हैं, वहां पर दिल की धड़कने बढ़ती हुई साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि परिवार जो है वो एक साथ एकजुट होकर टीवी के सामने डटा हुआ है। गगनदीप, क्या हालात वहाँ? परिवार सारा एकजुट होके जहाँ पे मैच जहाँ पे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी परिवार वाले, तो लगातार अब आखिरी जो चंद मिनट रह गए हैं तो परिवार वाले लगातार जो टेलीविजन पर नजरें टिकाए हुए और आखिरी दो मिनट में, और पूरा परिवार का कहना है कि ये टीम जो है कांसे पदक जीत के आएगी। जिस तरह जर्मनी पहले आगे था, लेकिन उसके बाद जो अब पेनल्टी कॉर्नर मिला है, तो सभी की नज़रें जो है मैच की तरफ है, तो परिवार का जो उत्सुकता है वो लगातार बढ़ी हुई है मैच की तरफ। तो अभी चंद आखिरी दो मिनट रह गए हैं, तो उनके जो चाचा जी हैं उनसे बात कर लेते हैं। तो सर, क्या कहना चाहते हैं अब आखिरी दो मिनट? अभी दिल जान ला रही है टीम, कोई बात नहीं है, मैदान पर खड़े हैं, कोई बात नहीं, गोल नहीं होने देंगे, ऐसी बात नहीं, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है भारतीय टीम जीतेगी, पूरी उम्मीद है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि हर शॉट पे ऊपर जो टीम है, जो परिवार है, वो रिएक्ट कर रहा है, और बस आखिरी जो ढाई मिनट रह गए हैं, तो इनका कहना है कि कांस्य पदक भारतीय टीम जो है वो जरूर जीतेगी। ABP News, आपको रखे आगे।